आदि प्रतियोगिता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं AFP हारकोट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध लेखक ने पर्वतीय क्षेत्र में खस गणराज्यों और मैदानी क्षेत्र के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। तो वो किया गया है पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पाणिनि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जे पी एच बोगल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आचार्य देवव्रत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है, कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक हैं पी चेटवुड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल मूल के किस व्यक्ति ने 1938 में विप्लव पत्रिका का संपादन किया। तो वो यशपाल जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यशपाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, त्वारिक जुबल कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है भगवान दास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जेपी पेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कल्चर हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज के लेखक हैं। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयाज के लेखक जो हैं वो है KL वेद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है, विलासपुर राज्य के दरबारी कवि जिन्होंने शशि वंश विनोद लिखी है उनका क्या नाम है। तो इसके लेखक हैं गणेश सिंह। ऑप्शन नंबर बी गणेश सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन चक्र पत्रिका का 1938-40 ईस्वी के आसपास हिमाचल मूल के किस व्यक्ति ने संपादन किया था। तो वो किया गया है इंद्रपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इंद्रपाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कल्हण की राजसृंगिनी का अंग्रेजी अनुवाद हिमाचल प्रदेश में से किसने किया। तो इसका हिंदी अनुवाद जो है वो सर अरुल स्टेन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैटलॉग ऑफ द भूरी सिंह म्यूजियम चंबा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं JF वोगेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालयन ड्रीमलैंड जर्नी ऑफ किन्नरलोक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं K मेत्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें। अगला प्रश्न है, हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक हैं। तो हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक जो हैं वो हैं BN दत्तार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। द एंटीक्विटीज ऑफ कांगड़ा के लेखक हैं। तो एंटीक्विटीज ऑफ कांगड़ा के जो लेखक हैं वो है दिलीप के चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टेंपल्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक हैं। तो टेंपल्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक जो हैं वो है PC रॉय चौधरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किसने अपनी पुस्तक वैदिक भारत में यह लिखा कि पहाड़ों की आदिम लोगों में ज़्यादा द्रविड़ तत्व मौजूद है। तो ये कहा गया है W क्रूक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर है। उनकी पुस्तक थी वैदिक भारत, जिसमें उन्होंने ये लिखा था। अगला प्रश्न है, पोलेंड्री इन द हिमालयाज के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लेखक हैं YS परमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हिमालयन पोलियंड्री के लेखक हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इसके लेखक हैं DM मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धरती है बलिदान की। अगला प्रश्न है, खेतों के वैज्ञानिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो खेतों के वैज्ञानिक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर महेंद्र मधूप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है हिमालयाज द अबोड ऑफ लाइट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है निकोलस रॉरिक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो इसकी आत्मकथा का शीर्षक है लुकिंग बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है, तो अर्की की गोरखा विजय के लेखक है यूएस परमार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। न्यूमिस्टिमेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है पीएल गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑफ माउंटेन्स एंड मैन के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं केएल जोशी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लाहौल स्पीति ऑफ फॉरबिडन लैंड इन द हिमालयाज के लेखक हैं, इसके लेखक हैं एस सी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज के लेखक हैं, इसके लेखक हैं एम एस रंधावा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। संस्कृत एलिमेंट्स इन सराजी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है द रागास ऑफ द पंजाब के लेखक कौन है, तो रागास ऑफ पंजाब के लेखक है लेपन ग्रिफिन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो इसके लिए श्री केशव जी को जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य के लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। लाजो नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो लाजो नामक पुस्तक जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है शांता कुमार। अगला प्रश्न है शिमला अतीत वर्तमान के लेखक हैं, तो इसके लेखक है एडवर्ड जे वक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न पुस्तकों में से किसमें कालिदास ने किन्नरों का वर्णन किया था, तो किन्नरों का वर्णन जो है कालिदास ने कुमार संभव में किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक हैं, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक हैं मनमोहन सिंह, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है जुब्बल के किस दरबारी कवि ने ललित काव्यम लिखा, तो वो थे कन्हैया लाल शर्मा जिन्होंने ललित काव्यम लिखा है। अगला प्रश्न है पोलियंड्रीन हिमालयाज के लेखक हैं, तो पोलियंड्रीन हिमालयाज के लेखक डॉक्टर वाई एस परमार हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सन 1983 में प्रथम पहाड़ी कविता पुरस्कार किसे मिला था, तो वो डॉक्टर विरियाम सिंह को मिला था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1986 ईस्वी में वाई एस परमार साहित्य पुरस्कार किसे मिला, तो वो मिला है मियां गोवर्धन सिंह को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी काशी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला था, तो वो मिला है श्री जयदेव किरण को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक जेसी फ्रैंक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमालयन सर्किट पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिमालयन सर्किट पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं जी डी खोसला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्राचीन हिमालय किसने लिखी है, तो प्राचीन हिमालय एल पी पांडे के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल के लेखक कौन है, तो इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम द पंजाब हिल के लेखक हैं डब्ल्यू जी अर्चर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक कौन है, तो हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक हैं बी एन दत्तार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शिमला की किस पहाड़ी रियासत ने दरबारी कवि शशि वंश विनोद के लेखक हैं, तो शिमला की पहाड़ी रियासत के दरबारी कवि शशि वंश विनोद के लेखक हैं बिलासपुर।
तो ये जो है बिलासपुर से संबंध रखते हैं शशिवंश विनोद जी जो है। अगला प्रश्न है, मुख्तसर तारीख़े रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये गरीब खान के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किन्नर देश किसकी रचना है? तो किन्नर देश जो है राहुल संक्रित्यायन जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? तो कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक जो है वो MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक हैं आनंद चंद, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। किस साहित्यिक कृति के लिए डॉक्टर सुशील कुमार फुले को हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनकी द्वारा लिखी हुई कृति थी हारे हुए लोग, ऑप्शन नंबर सी, जिसके लिए उन्हें सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार का निबंध संग्रह बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? तो वो है प्रेम पखरोलवी, जिनका निबंध संग्रह बूंद समानी समुद्र शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, दर्द घमोटवी नाम से कौन से साहित्यकार जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं देशराज डोगरा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्षों में किस हिमाचली लेखक की रचनाएं हैं? तो वो है डॉक्टर निर्मल वर्मा की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीयूष गुलेरी की पुरस्कृत रचना छोंटे क्या है? तो वो एक कविता है, ऑप्शन नंबर सी कविता इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अवार्ड ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो अवार्ड ऑफ गॉड के लेखक है एंड्रयू विल्सन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित लेखकों को जिन्होंने हिमालयन क्षेत्र के बारे में लिखा है सही ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो टॉलमी, चंद्रगोमिन, पाणिनि, बारामहीर, तो इसमें सबसे पहले आते हैं पाणिनि, फिर आते हैं टॉलमी, फिर आते हैं चंद्रगोमिन और फिर आते हैं बारामहीर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कंट्री लाइफ पुस्तक से किसका नाम जुड़ा है? तो कंट्री लाइफ पुस्तक जो है वो नोरा रिचर्ड की है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति यात्रा वृतांत है? तो उनकी जो कृति है चीड़ों पर चांदनी, वो एक यात्रा वृतांत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन है? तो हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य के लेखक हैं देवराज शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, HP क्षेत्रफल व भाषाएं निम्न के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर YS परमार के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है जे हचिनसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल किस जिले से संबंधित है? तो प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल जो है वो हमीरपुर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो ये जो इसके लेखक हैं चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, तारीख़े रियासत सिरमौर नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं कंवर रजौर सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है? तो कुल्लू एंड लाहौल के लेखक हैं CG ब्रूम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों और लेखकों और पुरस्कार पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।